नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। धर्मनगरी हरिद्वार के सबसे रिहायशी इलाके हर की पौड़ी के समीप गुलदार के आने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। बताया जा रहा है कि सबसे पहले सुबह 9:30 बजे से हनुमान मंदिर के पास गुलदार को देखा गया, जिसके बाद अब गुलदार की लोकेशन हरिद्वार के बुरे की खाल में बताई जा रही है, जो कि हरिद्वार के मुख्य बाजार के पास तक गुलदार पहुँच गया है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं राज्य टाइगर रिजर्व प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई और प्रशासन मौके पर मौजूद है। सिविज गुलदार के कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। सोनभद्र में बाइक सवार को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में दो होमगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। दीनानाथ मौर्या और उसका बेटा आदित्य निवासी महुआला कला और राम अधार निवासी कोठिया अदलगंज की घटनास्थल पर मौत हो गई है। चौपन सोन पुल पर यह हादसा हुआ। मृतक होमगार्ड ओबरा से ड्यूटी कर घर जा रही थी। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार है। स्थानीय पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। चौपन थाना क्षेत्र की यह घटना। वीरभद्र रोड स्थित गली नंबर 3 में गंगा तट किनारे बने मंदिर में शिवलिंग सहित 5 मूर्तियां तोड़ने वाले असामाजिक तत्व को पुलिस ने दबोच लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक हथौड़ी भी बरामद की है। आरोपी मूल रूप से पीलीभीत का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी काले की ढाल पर किराए पर रहता है। शहर में वेटर की नौकरी करता है। आरोपी का नाम श्याम लाल यादव है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि पूछताछ में श्याम लाल ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के उद्देश्य से मूर्तियों को तोड़ने का जुर्म कबूल कर लिया है। श्रावस्ती में बीजेपी विधायक रामफेरिन पांडे ने वन महोत्सव की शुरुआत की। इस अवसर पर वन विभाग और अन्य विभाग ने 46,34,500 पौधों का वृक्षारोपण किया। वहीं केंद्रीय विद्यालय में बीजेपी विधायक रामफेरिन पांडे ने पहुंचकर वृक्षारोपण किया और हरित क्रांति का पैगाम दिया। सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल की कमर पर प्रशासन का दूसरे दिन भी हंटर चला। बुलडोजर के द्वारा हाजी इकबाल और एमएलसी महमूद अली की अवैध संपत्ति पर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने से नहीं कराया था नक्शा पास, ऐसी जानकारी मिल रही है। कई बार नोटिस भी दिया गया। कार्रवाई के बाद भी खनन माफिया हाजी इकबाल और उसका भाई महमूद अली की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसी वजह से लगातार कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर गोंडा से, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वन महोत्सव के जरिए प्रदेश भर में 35 करोड़ पेड़ लगाकर इतिहास रचने की तैयारी में है। इसी क्रम में पहले चरण में 25 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं 15 अगस्त तक पौधारोपण का यह आंकड़ा 35 करोड़ तक पहुंचाना है। इसी क्रम में गोंडा जिले में भी वन महोत्सव का आयोजन किया गया। जिले में कर्नलगंज इलाके के सकरौरा में राम जानकी मंदिर के पास वन महोत्सव का आयोजन किया गया। गोंडा जिले में 15 अगस्त तक 56 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने हैं। उसको लेकर विभागों को लक्ष्य दिया गया है। शामली के गांव रामगढ़ के पास राज्य मंत्री ने प्रदेश सरकार के आदेश पर वृक्षारोपण का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी एमएलसी जिला नोडल अधिकारी जिलाधिकारी एसपी और अन्य क्षेत्रीय अधिकारी ने एक एक वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया और वृक्षारोपण के रखरखाव के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए अपील किया है। इस बार यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पेड़ पौधों को लगाने तो वहीं शामली जिले में 14 लाख पौधे लगाने का टारगेट रखा है। कन्नौज में नए एसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने कार्यालय का निरीक्षण किया। कार्यालय के तैनात स्टाफ से जिले के चल रहे मामलों का हालचाल जाना, हिस्से क्षेत्रों पर हुई कार्रवाई की भी हकीकत जानी। नवागंतुक एसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव बोले कि फरियादियों के लिए 24 घंटे उपलब्ध पुलिस रहेगी। हर फरियादी की समस्या का प्राथमिकता पर निदान होगा। पत्रकारों से बात करते हुए एसपी ने सारी प्राथमिकताएं बताई। पीलीभीत में वृक्षारोपण अभियान के तहत जिलाधिकारी पुलकित खरे ने छात्र छात्राओं के साथ वृक्षारोपण किया। शहर के अवंतित बाई गर्ल्स इंटर कॉलेज सहित प्राथमिक विद्यालय गुज कोठिया स्कूल में वृक्षारोपण किया। साथ ही जनता से वृक्षारोपण करने की अपील की। पीलीभीत जनपद का मामला।
मथुरा के नए एसएसपी अभिषेक यादव की गिनती तेज तर्रार आईपीएस अफसरों में होती है। नए एसएसपी अभिषेक यादव मथुरा में चार्ज लेने के बाद एकदम हरकत में आ गए। सोमवार को सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर की और श्रद्धालुओं के आगमन की व्यवस्था भी देखी। इस दौरान उन्होंने यहाँ तैनात सुरक्षा गार्डों को किसी भी श्रद्धालु के साथ अभद्र व्यवहार न करने की सख्त हिदायत दी है। संभल के बेजोई थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अमरपाल सिंह की मौत हो गई। किराए के कमरे में उनका शव मिला। हार्ट अटैक की आशंका बताई जा रही है। रिटायरमेंट से 4 महीने पहले ही मौत हुई। मूल रूप से बागपत के ये दारोगा रहने वाले हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा है। थाना कस्बा बेजोई की घटना। संभल में पुलिस ने तमंचा लहराने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। राशन डीलर से विवाद के दौरान ये युवक तमंचा लहराते हुए कैमरे में कैद हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था। खंड विकास अधिकारी पर कमीशन खोरी का आरोप लगा है। ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक दफ्तर पर तालाबंदी कर दी। बीडीओ और सचिवों के खिलाफ प्रधान उतरे हैं। खंड विकास अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ब्लॉक गेट पर तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए ग्राम प्रधान। मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का भुगतान नहीं होने से प्रधान गुस्साए हैं, भड़के हैं। बीडीओ और सचिवों पर भुगतान के नाम पर कमीशन मांगने का आरोप भी लगा रहे हैं। असमौली विकासखंड का ये पूरा मामला है। लगातार हॉलीवुड और बॉलीवुड द्वारा हिंदू देवी देवताओं का एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए लगातार गलत बयानबाजी कर गलत पोस्टरबाजी कर हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है। साथ ही साथ उनकी आस्था पर भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, जिसको लेकर बवाल हो गया है। साथ ही साथ आगरा में जो हिंदू संगठन है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रांतीय अध्यक्ष मीना दिवाकर की अध्यक्षता में फिल्ममेकर के खिलाफ मुकदमा लिखाने हेतु सीओ छाता के ऑफिस पर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। उन कार्यकर्ताओं के बीच एक माँ काली का भी स्वरूप था। कर्ज लेकर नौकरी की ख्वाहिश में सऊदी अरब गए जौनपुर के एक युवक को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है। युवक ने वीडियो भेजकर अपनों को आप बीती बताई है, जिसके बाद बूढ़े माँ बाप ने डीएम से बेटे को वापस स्वदेश बुलाने के लिए मदद की गुहार लगाई। चंदन के पेड़ों को काटकर लगातार उनकी तस्करी की जा रही है। पहले बार ब्लॉक में जो चंदन वन है वहां कटान जारी था, उसके बाद अब बिरधा ब्लॉक के ग्राम सतर मास में किसानों के व्यक्तिगत खड़े चंदन के पेड़ों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 10 सालों से लगातार चंदन के पेड़ इस गांव से काटे जा रहे हैं। ऊपर का झाड़ अलग कर बीज का तना काट कर रात के अंधेरे में चंदन तस्कर ले जाते हैं और गांव वालों को पता भी नहीं चलता। ग्रामीणों ने बताया कि गांव का ही एक अशोक पारशर नाम का चंदन तस्कर है, जो इस प्रकार का कार्य करता है और रात के अंधेरे में चोरी से पेड़ काट कर ले जाते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बांदा में ड्राइवर को नींद आने से अनियंत्रित होकर नाले में बोलेरो पलट गई। घटना में गाड़ी सवार एक युवक की मौत हो गई है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां देखते ही डॉक्टर ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं जो घायल हैं उनका इलाज लगातार जारी है। ये पूरी घटना अतरा थाना अंतर्गत झांसे मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के गटरा नाले की है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।